गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलो लेकर आए आपका नेक्स्ट वीडियो। हमने लास्ट अपन ने पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था अपन ने, दो लेंसों को संपर्क में रखने पर तुल्य फोकस दूरी या दो लेंसों के संयोजन की शक्ति। इसी के आगे नया टॉपिक लेके अपन आ रहे हैं, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है बेसिकली, है ना? तो आप देख पाएंगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, है ना? तो देखिए बेसिकली प्रिज्म क्या होगा, प्रिज्म को आप समझने की कोशिश करें। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं, ये देखो प्रिज्म क्या होता है। ये ऐसा कोई भी समांगी पारदर्शी माध्यम, समांगी मतलब जिसका प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक हिस्सा, है ना, प्रत्येक कण एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो, तो ऐसा कोई समांगी पारदर्शी माध्यम लेना, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा कोई भी समांगी पारदर्शी माध्यम जो तीन आयताकार पृष्ठों से घिरा हो और दो त्रिभुजाकार पृष्ठों से घिरा हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है बताओ? प्रिज्म कहलाता है, ठीक है। आप गौर से देख पा रहे हैं, आप ये डायग्राम अगर आप देखें, ये देखो इसमें देखो तीन तो आयताकार पृष्ठ है, मैं बना के दिखाता हूँ। देखो एक तो ये वाला आयताकार पृष्ठ हो गया इधर, दिखा, एक ये वाला आयताकार पृष्ठ हो गया इधर, ये वाला दिखा आपको, और इन दोनों को मिटा दिया जाए तो एक आपके पास ये वाला आयताकार पृष्ठ हो गया। बोलो हुआ या नहीं? ये तो तीन आयताकार पृष्ठों से मिलकर बनाए और दो त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं, इसमें एक तो ये वाला त्रिभुजाकार है और ये त्रिभुजाकार है। तो आप देख पा रहे हैं तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार पृष्ठों से मिलकर बना पारदर्शी समांगी माध्यम क्या कहलाता है बताओ? प्रिज्म कहलाता है। अब इसमें आप देख पाएंगे कि इसके कोई भी दो आयताकार अपवर्तक पृष्ठों के बीच में बना कोण, जैसे अपन ने दो आयताकार अपवर्तक पृष्ठ ले लिए, सॉरी देखिए फिर से बताता हूँ, जैसे मैंने एक तो ये वाला आयताकार अपवर्तक पृष्ठ ले लिया, एक ये वाला आयताकार अपवर्तक पृष्ठ ले लिया, तो इन दोनों के बीच में बना ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या कहलाता है बताओ? ये वाला कोण कहलाता है प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, इसको ए से लिखते हैं, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, इसको या तो ए से लिखेंगे या फिर कोण ए से लिखेंगे, ठीक है। नाम क्या होगा? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। अब ये वाला कोण देखो यहाँ भी हो सकता है, आप देखिएगा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रिज्म को किस तरीके से रखा गया है। अब अगर प्रिज्म का अगर अपन टॉप व्यू देखें, अगर इसको ऊपर की तरफ से देखें, आप देख पा रहे हैं अगर इसी प्रिज्म को यहाँ से देखें इधर से, तो ये कुछ इस टाइप की दिखाई देगी आपको, बोलो दिखेगी या नहीं? अब इसमें क्या होगा, देखो ये जो लाइन है बी सी जिस पे प्रिज्म टिका हुआ रहेगा, जिस पे रखा जाएगा, तो ये जो लाइन है इसको बोलते हैं अपना आधार, और ये जो ऊपर जो ये जो कोण बनेगा दो आयताकार अपवर्तक पृष्ठों के बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं प्रिज्म से अपवर्तन। तो प्रिज्म से अपवर्तन को अपन कैसे पढ़ते हैं, इसको आप देखना गौर से, थोड़ा ये डायग्राम है तो इस डायग्राम को आप गौर से देखना, मैं आपको समझाता हूँ इसमें। तो प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है, तो आप देखें प्रिज्म से अपवर्तन की बात करें तो सबसे पहले हमने प्रिज्म ले लिया जिसका केवल ये साइड व्यू, एक त्रिभुजाकार जो फलक है वही हमें दिखाई दे रहा है। इसमें ये जो होगा आपके पास बी सी, ये तो हो जाएगा आपका आधार, और ये जो ऊपर ये जो है कोण ए, इसको अपन बोलेंगे प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? आगे देखो, अब जब भी कोई प्रकाश की किरण इस प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होगी, आप देख रहे हो अपवर्तक पृष्ठ है ए बी, इस पर कोई प्रकाश की किरण, ये पी क्यू मैं बोल रहा हूँ, आप रफ कॉपी में साथ साथ बना लें, अच्छा समझ में आएगा, इसमें कुछ शब्द ना दिखें तो बोलते हुए आप उनको सुन के और रफ कॉपी में बनाएं। तो ये जो आपतित किरण है पी क्यू, या ये अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित हो रही है, हो रही है नहीं? अब बताओ कि जब ये आपतित किरण बाहर कैसा माध्यम है बताओ? निर्वात या हवा, और ये किसका बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। प्रिज्म किसका बना हुआ है? कांच का, ग्लास का बना हुआ है, तो बाहर अंदर सघन माध्यम है। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, आप देख पा रहे हो ये तो अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ये प्रकाश की किरण हो गई, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो सबसे पहले अभिलंब खींचेंगे, अभिलंब कैसे होता है कि ये जो अपवर्तक पृष्ठ है इसके जो लंबवत रेखा होगी वो क्या कहलाएगी बताओ? अभिलंब। तो आप देख पा रहे हैं ये देखो ये एक लंबवत रेखा खींची, ये लंबवत रेखा क्या कहलाएगी? इसके लिए अभिलंब।
और अगर ये आपतित किरण जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। मतलब इसको जाना चाहिए था कैसे, सीधे जाना चाहिए था। अगर ये प्रिज्म नहीं होती तो ये प्रकाश की किरण कैसे जाती, सीधी। लेकिन प्रिज्म होने के कारण अपवर्तन हुआ, और अपवर्तन होने के कारण प्रकाश की किरण सीधे ना जाकर ये अभिलंब की ओर झुक गई और ऐसे चली गई इस दिशा में। बोलो गई या नहीं, आप समझ पा रहे हैं? वैसे तो कैसे जाती ये बताओ, सीधे जाती यूँ, बट अपवर्तन के कारण ये अभिलंब की तरफ झुक गई ऐसे। बोलो झुकी या नहीं, यूँ झुक गई इधर अभिलंब की तरफ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, तो मैं फिर से बताऊँ, यहाँ पे पहुँचे अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तन हुआ तो आपतित किरण ऐसे बन गई है। बोलो बनी या नहीं, ये अपवर्तित किरण कहलाएगी। अब कहलाएगी या नहीं, अब वापस देखो पुनः इस जगह पे क्या होगा कि फिर ये प्रकाश की किरण कांच से और वायु या निर्वात में जाएगी, जाएगी या नहीं? तो जब कांच से वायु या निर्वात में जाएगी तो क्या होगा बताओ, फिर से अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन होगा तो पहले अभिलंब खींचेंगे, तो यहाँ पे इस बिंदु पर भी यहाँ पे एक अभिलंब खींचें इस तरीके से डॉट 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 करके, आप रफ कॉपी में बना लें, क्लियर समझ में आएगा, है ना, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, ये प्रकाश की किरण ये आई तो ये इस पृष्ठ एसी के लिए तो आपतित किरण होगी, और यहाँ पे जब अपन अभिलंब खींचते हैं इस तरीके से, ये अभिलंब आ गया। तो अब अपन सघन माध्यम से कांच से वायु में जा रहे हैं, सघन से विरल में जा रहे हैं, तो प्रकाश की किरण को कैसे जाना चाहिए था, सीधे। लेकिन सघन से विरल माध्यम में आने के कारण ये अभिलंब से दूर हट जाएगी और इस दिशा में आएगी, इधर नहीं जाएगी, ठीक है, ये आप जानते हो। तो अपवर्तन के कारण ये किरण ऐसे आएगी। बोलो आएगी या नहीं, क्लियर है? अब देखो ये जो प्रकाश की किरण है ये, इसको अपन बोलते हैं आपतित किरण पी क्यू, और ये जो प्रकाश की किरण है इसे अपन बोलते हैं अपवर्तित किरण, इसका नाम रखा अपन ने क्यू आर। ये वाला बिंदु क्यू रखेंगे और ये वाला बिंदु क्या रखेंगे बताओ, आर, क्लियर। और फिर यही किरण जब यहाँ से ऐसे जाएगी हूँ तो इसको नाम देंगे निर्गत किरण, ये बाहर निकल गई तो इसका नाम क्या रख दिया अपन ने बताओ, निर्गत किरण रख दिया, आर एस। तो आप समझ में आए यहाँ पे, देखो पी से क्यू तक क्या कहलाएगी ये बताओ, आपतित किरण, क्यू से आर तक क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण, और आर से एस तक क्या कहलाएगी बताओ, निर्गत किरण, क्लियर है। अगर अपन कोणों की बात करें तो कोण में आप देखना है, सबसे पहले ये जो कोण बना हुआ है ये वाला कोण ए, इसको बोलेंगे प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण, ठीक है। दूसरा आप देखें ये वाला जो कोण बना हुआ है ये, इसको अपन आई से व्यक्त करेंगे, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है तो इसलिए अपन इसको बोलेंगे आपतन कोण, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखें आप, ये अभिलंब और ये अपवर्तित किरण के बीच का कोण है ये वाला, ये इस कोण को अपन जो है इस कोण को अपन व्यक्त करेंगे किससे बताओ, आर वन से, किससे बताओ, आर वन, और इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। मैं फिर से बताऊँ, ये तो अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है, इसके बीच में बना कोण क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण, इसे अपन आर वन से व्यक्त करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ये जो कोण बना हुआ है इस साइड आप देख पाएंगे कि ये तो अपवर्तित किरण है और ये इधर वाला अभिलंब है, तो इनके बीच में ये जो कोण बना हुआ है, मैं फिर से बताता हूँ, देखो आप, ये तो अपवर्तित किरण जा रही थी और ये जो इनके बीच में ये जो कोण बना हुआ है ये, इसको भी हम क्या बोलेंगे बताओ, अपवर्तन कोण ही बोलेंगे, और इसका नाम क्या होगा, आर टू। क्यों? क्योंकि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है, इसका नाम हमने रख दिया आर टू, क्लियर है। अब अगर बात करें आगे तो अगले भाग में इधर देखो आप यहाँ कि ये वाली किरण निर्गत किरण कहलाती है और ये आपके पास अभिलंब है, तो अभिलंब के साथ निर्गत किरण का कोण जो है वो क्या कहलाएगा, निर्गत कोण। तो इस निर्गत कोण को अपन निर्गत कोण को अपन ई से व्यक्त करेंगे, स्मॉल ई से, इमरजेंट, एंगल ऑफ इमरजेंट, तो ये निर्गत कोण कहलाएगा, ये ई नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ई लिखा हुआ है, ये निर्गत कोण हो गया। अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाता है बताओ, निर्गत कोण कहलाता है, क्लियर है। अब आगे देखें आप इसी प्रकार, अब अपवर्तन की बात करें तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अपने इस डायग्राम को फिर से गौर से देखें, देखो आप, देखो यहाँ पे ये वाला कोण जो होगा, ये वाला कोण, ये इस कोण का नाम होगा कोण ए क्यू, और इस बिंदु को नाम दे देते हैं अपन टी, क्या नाम दे देते हैं बताओ, टी। तो ये जो टी बिंदु है आप यहाँ देख पा रहे हो, ये वाला अभिलंब और ये वाला अभिलंब काट रहे हैं, तो ये जो ए क्यू टी कोण है आप देख रहे हो, ए क्यू टी,
ए क्यू टी ये वाला कोण ये कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि अपवर्तक पृष्ठ और अभिलंब के बीच में बना है, और अपवर्तक पृष्ठ और अभिलंब क्या होते हैं बताओ? लंबवत। तो कोण ए क्यू टी हमेशा कितने डिग्री का होगा बताओ? 90 डिग्री का होगा। यानी इसी प्रकार अगर इस साइड आप देखें तो इस साइड भी ऐसा ही होगा। ये जो कोण है ए आर टी, देख रहे हो ए ये वाला बिंदु आर और ये वाला बिंदु टी, तो कोण ए आर टी ये भी कितना होगा बताओ? कोण ए आर टी ये भी 90 डिग्री का ही होगा। क्यों? क्योंकि अपवर्तक पृष्ठ और अभिलंब के बीच में बना कोण है, ये तो अपवर्तक पृष्ठ और ये अभिलंब, तो अपवर्तक पृष्ठ और अभिलंब सदैव लंबवत होते हैं, तो ये वाला कोण भी कितना होगा बताओ? 90 डिग्री होगा। होगा या नहीं? तो आपको ध्यान रहेगा कोण ए क्यू टी और कोण ए आर टी हमेशा 90 डिग्री के होंगे। ये टी बिंदु क्या है यहाँ पे? टी बिंदु क्या है? ये जो टी बिंदु है ये इधर वाले अभिलंब और इधर वाले अभिलंब का प्रतिच्छेदन बिंदु है। क्लियर है? आगे बात करें, अब ये चतुर्भुज की बात करें अपन, चतुर्भुज ए क्यू टी आर ए, चतुर्भुज ए क्यू टी आर ए, तो आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बताओ? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कोण ए प्लस कोण, क्या नाम बताया था मैंने? ए क्यू टी, और एक और कोण बताया था ए आर टी, बताया था तीन कोण हो गए, और एक कौन सा हो गया है नीचे वाला कोण टी, है ना? देखो आप, मैं बता रहा हूँ डायग्राम में, ये वाला तो कोण टी, ये वाला कोण ए, ये वाला कोण हो गया ए क्यू टी, और ये वाला कोण हो गया ए आर टी। इन चारों का योग कितना होना चाहिए बताओ? 360 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बताओ? 360 डिग्री। लेकिन मैंने अभी अभी समझाया है कि कोण ए क्यू टी 90 डिग्री होगा और कोण ए आर टी भी कितना होगा बताओ? 90 डिग्री होगा। बोलो होगा या नहीं? तो इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, अगला पेज लेते हैं। इस डायग्राम की मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पेज बदल बदल के देखता रहूँगा, ठीक है? तो आप देखिए अगले पेज की यदि अपन बात करेंगे इसमें, तो अगला पेज यदि अपन लेते हैं तो अगले पेज में आपके पास मिलेगा, ये देखो आप इस पेज को गौर से देखें, सब इसमें समझा रखा है जो मैंने आपको बताया लिखा हुआ है इसमें, ठीक है? तो इस पेज को अगर आप गौर से देखेंगे तो सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक? ये देखो पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, आर एस निर्गत किरण है, आई आपतन कोण है, आर वन आर टू अपवर्तन कोण है, ई निर्गत कोण है, डेल्टा विचलन कोण है, ए प्रिज्म कोण है। मैंने अभी विचलन कोण नहीं बताया, विचलन कोण अभी आगे बताऊंगा, ऐसी टॉपिक में आएगा, है ना? तो देखिए आप आगे यदि बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था चतुर्भुज ए क्यू टी आर में, देखो आप चतुर्भुज ए क्यू टी आर में कोण ए कोण ए क्यू टी प्लस कोण टी प्लस कोण ए आर टी बराबर 360 डिग्री। लेकिन हमने आपको अभी अभी पढ़ाया कि ए क्यू टी और ए आर टी दोनों कितने होंगे? 90 डिग्री के। तो ए क्यू टी की जगह पे 90 डिग्री लिख दिया, ए आर टी की जगह पे 90 डिग्री लिख दिया, तो 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। को दूसरी तरफ पक्षांतरण करें तो 360 में से 180 गया तो कितना रह जाएगा बताओ? 180। तो क्या बचेगा? कोण ए प्लस कोण टी बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 180 डिग्री, समीकरण नंबर एक। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अगर कोई डाउट है तो वीडियो को आप रिपीट करके देखें, समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर आगे अपन बात करें ऐसी, तो फिर ये बात कर रहे हैं त्रिभुज क्यू टी आर में, तो मैं पिछला वाला फ़ोटो लेता हूँ वापस से, आपको देखिए ये जो अपना डायग्राम था, इस डायग्राम में आप गौर से देखें, इसमें कहीं त्रिभुज क्यू टी आर आपको नज़र आ रहा है क्या? क्यू टी आर आप खुद बना ले रफ कॉपी में, बड़ा डायग्राम समझने के लिए। मैंने ये बिंदु बताया था क्यू, ये बिंदु आपके पास कितना है टी, और ये वाला बिंदु कितना है आर, तो ये हो गया आपके पास त्रिभुज क्यू टी आर, त्रिभुज क्यू टी आर हुआ। और हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताओ? 180 डिग्री होता है। तो इसमें तीन कोण कौन कौन से आ रहे हैं आप बताओ? एक तो ये वाला आ रहा है कोण आर वन, ये दिखा आपको आर वन, एक आपके पास आ रहा है ये वाला कोण आर टू, और एक आपके पास कोण आ रहा है ये वाला जिसका नाम रख दिया अपन ने टी, ठीक है? आर वन आर टू और टी, ठीक है? तो इन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए बताओ? 180 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो आप ये देख पा रहे हैं आप, त्रिभुज क्यू टी आर में कोण टी प्लस कोण आर वन प्लस कोण आर टू बराबर 180 डिग्री। क्लियर? अब देखो समीकरण एक और दो, दोनों समीकरणों से देखें आप, तो दोनों समीकरण देखो, ये भी 180 के बराबर, ये भी 180 के बराबर, तो
इनका RHS बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर है, तो LHS भी बराबर होना चाहिए। तो मैंने दोनों को बराबर कर दिया। देखो आप, कौन A प्लस कौन T बराबर कौन T प्लस कौन R1 प्लस कौन R2, इनसे आपको फाइनल रिजल्ट क्या मिला, TT कैंसिल हो गया, तो कौन A बराबर R1 प्लस R2, याद रखना आगे अपन को काम आएगा, कौन A बराबर R1 प्लस R2, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। अब बात करेंगे हम विचलन कोण की, विचलन कोण होता क्या है। तो विचलन कोण को समझने के लिए पिछली स्लाइड पे जाते हैं। विचलन कोण क्या होगा ये समझना आप। देखो मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी किरण है बताओ, आपतित किरण PQ है, और ये कौन सी किरण है बताओ, निर्गत किरण RS, निर्गत किरण RS, ठीक है। मैं फिर से बनाता हूँ, ये आपकी आपतित किरण और ये निर्गत किरण, ये निर्गत किरण का नाम है RS और आपतित किरण का नाम है PQ, क्लियर है। अब आप गौर से देखो कि आप ऐसा इमेजिन करो, ऐसा सोचो कि अगर ये प्रिज्म यहाँ नहीं होती, रास्ते में अगर प्रिज्म नहीं होती, तो ये आपतित किरण जो है वो किस दिशा में जाती बताओ, सीधी निकल जाती है, नहीं ऐसे ही बोलो, क्लियर है। लेकिन प्रिज्म होने की वजह से ये किस दिशा में गई बताओ, इस दिशा में गई। तो अगर इसको अपन पीछे की तरफ यूँ डॉट डॉट करके बढ़ाएं, यूँ अगर हम इसे पीछे की तरफ बढ़ाएं डॉट 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 करके यूँ इधर, तो ये यहाँ पे एक कोण बनेगा, ये वाला कोण, ये तो ये कोण जो है किस किस के बीच में हुआ बताओ, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच में बना कोण, ये क्या कहलाता है बताओ, विचलन कोण कहलाता है। और विचलन कोण को किससे व्यक्त करते हैं, डेल, ऐसे बनाते हैं डेल, आप समझ गए, ये डेल है इस तरीके से, ठीक है। तो विचलन कोण को अपन डेल से व्यक्त करेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा, ये अब इसको पीछे डॉट 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 करके मिलाएं, तो जहाँ काटेंगी वहाँ ये जो कोण बनता है, ये कोण क्या कहलाता है बताओ, विचलन कोण। अर्थात जो प्रकाश की किरण है वो इस दिशा में जानी चाहिए थी, आपतित किरण की दिशा में, लेकिन रास्ते में प्रिज्म होने के कारण इस ये अपने पथ से विचलित हो गई और इस दिशा में चली गई। तो अपने पथ से विचलित होना यही क्या कहलाता है, अपने पथ से जितने कोण से विचलित हुई वही कोण क्या कहलाएगा, विचलन कोण। तो आप समझ में, आप समझ पाए विचलन कोण क्या है, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा, विचलन कोण। अब यदि विचलन कोण की बात करें तो फिर से आप देखें, देखो ये आपके पास ये इस तरीके से ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इस त्रिभुज को गौर से देखो, दिख रहा है ये वाला त्रिभुज आपको। अब इस त्रिभुज में देखो ये रेखा आगे जा रही है और ये रेखा आगे ऐसे जा रही है, और देखो ये जो कोण बना हुआ है इस कोण का क्या नाम दिया गया, विचलन कोण डेल। अब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप देख पाएंगे इस त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण कौन सा है, ये वाला बहिष्कोण है, ये वाला। अब ये बहिष्कोण जो है वो इसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये जो होंगे ना ये वाले कोण, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इन दोनों के योग के बराबर होगा। कौन बराबर होगा बताओ, ये वाला बराबर होगा, सही है। तो त्रिभुज का बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। इनके नाम क्या हैं, तो बहिष्कोण का नाम तो हो गया ये डेल, बोलो हुआ है नहीं, और अंतराभिमुख कोणों के नाम क्या लिख सकते हैं अपन, एक तो ये वाला, ये इसका नाम, जैसे मान लो कि यहाँ पे अपन ने नाम दे दिया यू, नाम दे दिया यू, ये यू कौन सा बिंदु है बताओ, ये वाला बिंदु जहाँ पे आपतित किरण और निर्गत किरण काट रही है। तो देखो ये जो कोण बनेगा ये क्या हो गया, यू क्यू आर, ये क्यू बिंदु है और ये वाला कौन सा बिंदु है बताओ, आर। तो ये जो नाम होगा ये क्या होगा, यू क्यू आर, क्लियर है। तो एक कोण तो हो गया यू क्यू आर, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, कोण यू क्यू आर, एक तो ये हो गया। और दूसरा अंतराभिमुख कोण कौन सा है आपका, ये देखें आप ध्यान से, तो दूसरा कोण कौन सा होगा बताओ, तो दूसरा ये वाला हो जाएगा, देखो यू आर क्यू, यू आर क्यू, ये वाला हो गया। तो आप देखो दूसरा कोण हो गया यू आर क्यू, बोलो हुआ या नहीं। अब आप देख पा रहे हो ये जो दोनों कोण हैं यू क्यू आर और यू आर क्यू, दोनों कोण जो हैं ये दोनों कोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होगा, जिस बहिष्कोण को अपन ने किससे लिखा है बताओ, डेल्टा से लिखा है, डेल से लिखा है, तो इसके बराबर होगा।
तो त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। बोलो यही होता है नहीं। तो देखो आप आगे अगले पेज पे चलते हैं वापस से। तो देखो ये रहा, ये देखो, अब देखो इसमें जो नाम है ना बुक में जो नाम है ये U की जगह क्या दे रखा है बताओ, W। आप देख पा रहे हो ये जो नाम है U की जगह क्या दे रखा है बताओ, W। जो मैंने कौन बोले यू क्यू आर और यू आर क्यू, उसमें U की जगह क्या बोल देंगे, W। ये W कौन सा बिंदु आप समझ पाए क्या इस डायग्राम में, ये जो दिखाई नहीं दे रहा ये वाला बिंदु, ये क्या है W, जिसको मैंने U नाम दिया था, एक्चुअली इसको नाम क्या दिया W। नाम कोई भी दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैंने U बोल दिया था आप इसे W बोल सकते हो। तो अगले पेज में देखो, तो बहिष्कोण के हिसाब से जो बहिष्कोण था वो कौन था बताओ, विचलन कोण। बहिष्कोण क्या था, विचलन कोण था, और विचलन कोण डेल्टा या अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा कोण डब्लू क्यू आर प्लस कोण डब्लू आर क्यू, होगा या नहीं। अब बात करें कि अंतराभिमुख कोणों के मान कैसे निकालें, तो ये देखना आप गौर से। तो फिर से उसी पेज पे आते हैं और इन अंतराभिमुख कोणों के मान आप देखेंगे। तो देखो आप, मैं आपको बताता हूँ, देखो एक रेखा आपके पास ये वाली है जिसे अभिलंब बोलेंगे, और एक रेखा ये है जिसे हम आपतित किरण बोलेंगे, और इनके बीच में एक रेखा ये वाली है जो अपवर्तित किरण है, ठीक है। अब बताओ कोणों की बात करते हैं अपन, तो कोण की बात करें तो देखो ये पूरा क्या होगा बताओ, आपतन कोण आई, बोलो होगा या नहीं। और हम ये जानते हैं कि ये पूरा भी क्या होगा बताओ, आपतन कोण आई, बोलो होगा या नहीं। शीर्षाभिमुख कोण हो गए, सम्मुख कोण हो गए, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई, होगा या नहीं। अब यदि बात करें तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो नीचे वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये इस कोण का नाम क्या है बताओ, आर वन है या नहीं। और हमने अभी अभी ऊपर वाले कोण की बात करी थी, तो ये जो ऊपर वाला कोण है आपका, ये वाला ऊपर वाला, इसका नाम क्या है बताओ, कोण डब्लू क्यू आर है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा कोण आई हो गया, ये पूरा कोण आई हो गया, जिसमें ये वाला आर वन है। तो मुझे बताओ जरा कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला बताओ। तो पूरा जो कोण है आई, उसमें से आर वन घटा दें तो ये बच जाएगा, आप समझ पा रहे हो। मैं फिर से बताता हूँ आपको, अगर इस पूरे कोण में से आप देख पा रहे हो, ये जो पूरा कोण है आपके पास, देखो एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये, अब पूरा कोण कितना है आई, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसमें से ये देखो आप, नीचे वाला जो है ये कितना है आर वन, तो इस पूरे आई में से आर वन घटा दें तो आपको बताओ ऊपर वाला बच जाएगा ये। तो ऊपर वाले कोण का नाम क्या है बताओ, डब्लू क्यू आर। तो इसका मान कितना आ गया बताओ, आई में से हम घटा देंगे आर वन, बोलो सही है। इस पूरे आई में से हमने घटा दिया ये आर वन, तो ये ऊपर वाला बच गया, क्लियर है। तो कौन डब्लू क्यू आर का मान हो गया आई माइनस आर वन, ये याद रखना आपको, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से इस तरफ बात करो सेम, तो इधर भी देखो, ये तो निर्गत किरण हो गई आपकी, और ये आपका अभिलंब हो गया, हुआ है नहीं, और ये बीच में ये अपवर्तित किरण, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा कोण है, ये इसका नाम क्या था, ई, एंगल ऑफ इमर्जेंट, निर्गत कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण या सम्मुख कोण होने के कारण ये भी कितना होगा बताओ, ई। लेकिन हम पढ़ चुके हैं ये वाला जो कोण है इसका नाम क्या है बताओ, आर वन, आर वन नाम है। तो बताओ अगर मैं ऊपर वाला ढूंढना चाहूँ, ऊपर वाला ये वाला, तो ये कितना होगा ये, तो ये देखो ई में से आर वन घटा देंगे तो आपके पास ये बच जाएगा। तो ई माइनस ये आर वन नहीं, सॉरी, ये वाला कोण कितना है, आर टू है। फिर से बताता हूँ, ये वाला कोण कितना है बताओ, आर टू। तो ई में से आर टू घटा दें तो ये ऊपर वाला बचेगा, जिसका नाम क्या है, कोण डब्लू आर क्यू, ठीक है। इस ऊपर वाले कोण का नाम क्या है आपको मैंने बताया था, ये वाला कोण का नाम क्या है, डब्लू आर क्यू। और ये डब्लू आर क्यू किसके बराबर हो गया, ई माइनस आर टू, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट पेज पे अपन चलते हैं। तो देखो आप विचलन कोण की बात कर रहे थे, ये पहली लाइन अपन ने लिख दी थी, इसमें ये वाली लाइन
बहिष् कोण बराबर अंतरामुख कोणों के योग के बराबर। अभी अभी मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू क्यू आर कोण कितना आया आई माइनस आर वन और डब्ल्यू आर क्यू कितना आया ई माइनस आर टू। इन दोनों को सेपरेट करो, आई और ई प्लस में दोनों को एक साथ लिख दिया है ना, और ये जो दूसरे वाले हैं जिनको आप देख पा रहे हो ये माइनस में और ये माइनस में, इनमें से माइनस कॉमन ले लें आप और माइनस कॉमन लेके यहाँ पे और आर वन प्लस आर टू ऐसे लिख दें। लिख दिया, अब यहाँ तक लिख दिया आपने, ये आपके पास आ गया इस जगह पे ये। अब देखो समीकरण नंबर तीन में जाओ, तो समीकरण तीन में चलते हैं। समीकरण तीन में ये पढ़ा है, समीकरण तीन में हमने क्या पढ़ा है बताओ, ये आर वन प्लस आर टू बराबर ए। तो वापस यहीं आ जाएं तो इसमें आप देखेंगे आर वन प्लस आर टू की जगह क्या रख देंगे ए। तो ये समीकरण याद रखना समीकरण नंबर चार, डेल बराबर आई प्लस ई माइनस कोण ए। ठीक है, समीकरण नंबर चार, डेल बराबर आई प्लस ई माइनस कोण ए। आगे यदि बात करें अब अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पेज आप देखेंगे यहाँ। अब यहाँ गौर से देखना, ये थोड़ा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है जो आपको सीधे याद रखनी है। इसमें देखो विचलन कोण और आपतन, जो विचलन कोण होता है जो मैंने अभी अभी आपको बताया डेल, जो विचलन कोण होता है वो निर्भर करता है किस पे बताओ, आपतन कोण के मान पे, आई पे निर्भर करता है। मतलब आपतन कोण में परिवर्तन होगा तो विचलन कोण में परिवर्तन होगा। तो देखो जब विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य ग्राफ बनाया जाता है तो निम्न प्रकार प्राप्त होता है। प्रैक्टिकल है, ऑब्जर्वेशन है, आपके आठ नंबर का प्रैक्टिकल है, लैब में भी करके देखेंगे अपन इसको। अभी तो अपन को डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि अपन थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। तो जब विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में ग्राफ बनाया जाता है, आप देख पा रहे हो वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पे लिया मैंने आपतन कोण और वाई अक्ष पे लिया मैंने विचलन कोण। ठीक है, तो जब विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में ग्राफ बनाया जाता है तो ये निम्न प्रकार प्राप्त होता है, ये इस तरीके से प्राप्त होता है, आपको दिखाई दे रहा है ऐसे। ठीक है, अब इसमें आप देख पा रहे हो कि ये जो बिंदु है, ये वाला बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला बिंदु, इस बिंदु पर आप देखना, ये मैंने डॉट 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 करके मिलाया। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, ग्राफ को पढ़ना आपको आता है। अब देखो आप इधर से चलो, जब इस साइड से आप चलोगे ऐसे, देखो जब इधर से चलेंगे यूँ, आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने का मतलब विचलन कोण का मान घट रहा है और आगे जा रहे हैं अपन तो मतलब आपतन कोण का मान बढ़ रहा है। इधर आपतन कोण का मान बढ़ रहा है और इधर से देखें तो विचलन कोण का मान घट रहा है, क्योंकि ग्राफ किधर आ रहा है बताओ, नीचे की तरफ आ रहा है। तो आप देख पाएंगे कि आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, ठीक है देखो आप फिर से, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण का मान पहले घटता है फिर न्यूनतम हो जाता है, और यदि आपतन कोण का मान और बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान पुनः बढ़ने लगता है। क्लियर, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर विचलन कोण पहले घटता है फिर न्यूनतम हो जाता है, और आपतन कोण को और अधिक बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान बढ़ने लगता है। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु पर विचलन कोण का मान क्या होता है बताओ, न्यूनतम होता है। आप देख रहे हो इधर तो विचलन कोण बढ़ेगा वाई अक्ष पे, ये इधर भी बढ़ेगा, तो न्यूनतम कहाँ होगा बताओ, इस बिंदु पर। तो आप देख पा रहे हैं कि इस बिंदु पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, तो इसको मैंने यहाँ पे मिलाया, यहाँ मिलाया, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये इस तरह से लिखा हुआ है डेल बराबर डेल मिनिमम, डेल बराबर डेल मिनिमम, मतलब विचलन कोण का मान न्यूनतम हो गया। तो डेल को डेल मिनिमम से लिख दिया, मतलब न्यूनतम विचलन कोण। और ये कब संभव है, ये प्रायोगिक परिणाम है, प्रैक्टिकल में पता चलता है। ये न्यूनतम विचलन कोण कब प्राप्त होता है, जब यहाँ पे आपतन कोण का मान जो है वो निर्गत कोण के बराबर हो जाए, तब ये कंडीशन आती है। तो ये प्रैक्टिकल रिजल्ट है जो आपको सीधे रट्टा मारना है, इसको अपन समझ नहीं सकते। ठीक है, तो इस ग्राफ से या इस प्रायोगिक परिणाम से ये प्राप्त होता है कि आपतन कोण और निर्गत कोण का मान जब बराबर हो जाता है तो उस अवस्था में जो विचलन कोण डेल का मान है वो क्या रहता है बताओ, न्यूनतम। इसी शर्त को अपन बोलते हैं न्यूनतम विचलन की शर्त, न्यूनतम विचलन की शर्त। बोलो कोई दिक्कत, तो आप देख पा रहे हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या होगा। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में देखें आप, न्यूनतम विचलन की स्थिति में अभी बताया डेल को तो डेल मिनिमम से लिखेंगे और आई किसके बराबर होगा, ई के, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होगा। अब यदि स्नेल का नियम लगाएं, स्नेल का नियम कैसे लगाएंगे, फिर पुराने पेज पे चलते हैं। तो स्नेल का नियम है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, म्यू टू वन बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो देखो ये प्रिज्म है अपना, अब देखो इधर से चलें तो ये पहला माध्यम है
और ये अंदर जो कांच है ये दूसरा माध्यम है। तो जब यहाँ से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हो, ठीक है, तो म्यू टू वन निकालें, अपवर्तनांक म्यू टू वन, तो क्या लिखेंगे, साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई बताओ आपतन कोण कितना है यहाँ पे आई, और अपवर्तन कोण कितना है बताओ आर वन, तो साइन आई बटे साइन आर वन। ये क्या किया, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गए तो म्यू टू वन ज्ञात किया, म्यू टू वन मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। याद रखें ये कांच को दूसरा माध्यम माना है हमने, और भार हवा को क्या माना है बताओ पहला माध्यम, तो दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक अगर प्रकाश की किरण यूँ जाती है तो फॉर्मूला क्या आएगा, साइन आई बटे साइन आर वन आएगा ही नहीं, क्योंकि आपतन कोण कितना है यहाँ पे, आपतन कोण है आई और अपवर्तन कोण कितना है आर वन। ठीक है, अब बात करें कि अगर मान लो कि ये अपवर्तन इस दिशा से करवाएं, इस तरफ से कोई प्रकाश की किरण आपतित कराएं यूँ ऐसे, तो ये किरण इधर जाएगी, तो अब ये आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो कोण है ये तो आपतन कोण की तरह व्यवहार करेगा, और ये वाला जो कोण है ये अपवर्तन कोण की तरह व्यवहार करेगा। ये पहला माध्यम वायु होगा और ये दूसरा माध्यम क्या होगा, कांच। आप समझ पा रहे हैं, इस साइड से अपवर्तन कराएं तो पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम कांच, और अगर म्यू टू वन का मान निकाले तो म्यू टू वन का मतलब क्या हो गया, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब वही हो गया कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन इधर से कोणों के नाम बदल गए, इधर आपतन कोण का नाम क्या है बताओ, यहाँ पे ई से व्यक्त किया है, और अपवर्तन कोण का नाम क्या, आर टू है या नहीं। तो अगर इस तरफ से लगाएं यही अपवर्तनांक वाला फॉर्मूला तो क्या निकल के आएगा बताओ, म्यू टू वन बराबर साइन ई बटे साइन आर टू। सही है क्या, आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये दोनों तरफ से अपन आपतित करा सकते हैं प्रकाश की किरण, इधर से भी इधर से भी। ठीक है, कंडीशन यही रखनी है, पाथ यही रखो, मान लो कि ये इतने डिग्री पे इधर से आपतित कराई और बाद में इधर से इतने डिग्री पे आपतित कराई जितना यहाँ बन रहा है। ठीक है, ऐसे तो दोनों तरफ से फॉलो करके देखा, तो अगर इधर से जाएं तब अपन निकालें पहले माध्यम से दूसरे में गए, और अगर इधर से जाएं तो भी हम देख रहे हैं कि पहले माध्यम से दूसरे में गए, क्योंकि बाहर तो सब जगह क्या है हवा, और यहाँ क्या है बताओ कांच है या नहीं, बोलो। तो वही दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं, मतलब कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं दोनों स्थितियों में, तो दोनों स्थितियों में जो आंसर आएगा वो क्या होगा बताओ, बराबर होगा। तो आगे यदि बढ़े अपन इसी में, तो देखो ये मैंने स्नेल का नियम लगाया, पहले तो जो इधर वाला अपवर्तक पृष्ठ था ए बी उस तरफ से लगाया तो रिजल्ट आया साइन आई बटे साइन आर वन, और फिर दूसरे वाले अपवर्तक पृष्ठ ए सी की तरफ से लगाया तो ये आया साइन ई बटे साइन आर टू, बोला आया है। और दोनों स्थितियों में अपन ने कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात किया तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो बताओ न्यूनतम विचलन की शर्त में जब आई बराबर ई हो तो आई और ई बराबर हो जाए तो साइन आई और साइन ई कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा बताओ, साइन आर वन बराबर साइन आर टू। ठीक है, दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लो, या ऐसे कह सकते हो आप देसी लैंग्वेज में कि साइन साइन कैंसिल, तो क्या हो गया बताओ, आर वन बराबर आर टू। अब मैं मान लेता हूँ कि R1 और R2 बराबर आ गए, जब बराबर आ गए तो इनका एक ही नाम रख दिया R, ये मैंने माना R1 और R2 बराबर हैं, और इनको क्या मान लिया मैंने बताओ, R मान लिया। अब R1 R2 बराबर हैं, दोनों R के बराबर हैं, तो इस मान को समीकरण तीन में रखेंगे अपन। तो समीकरण तीन देखो पिछले पेज पे, ये समीकरण तीन आया था आपके पास, ये रहा समीकरण तीन देखो, कौन A बराबर R1 प्लस R2, लेकिन हमें पता है R1 बराबर है R2 के, और दोनों को क्या मान लिया R, तो R1 और R2 की जगह यहाँ भी R लिख दें, यहाँ भी R लिख दें, तो कोण A बराबर R प्लस R। तो अगले पेज पे देखें आप, इस जगह आप देख पा रहे हैं कोण A बराबर R प्लस R, R और R जुड़ गए, दो R हो गए और दो भाग में आ जाएगा, तो R बराबर A बाई टू, R बराबर A बाई टू। याद रखना है, विशेष रिजल्ट है जो डब्बे में बंद किया मैंने यहाँ पे, R बराबर कोण A बाई टू, R क्या अपवर्तन कोण, तो R बराबर कोण A बाई टू। फिर आओ वापस से, न्यूनतम विचलन की शर्त जो आपके पास आई हुई है, ये वाली जो शर्त आई हुई है डेल बराबर डेल मिनिमम तथा आई बराबर ई, इसी को लगाएंगे समीकरण चार में। तो समीकरण चार क्या है देखो आप पिछले पेज पे, तो इस पे समीकरण चार दिख रहा है ये वाला, आपको गौर से देखो, ये देखो डेल बराबर आई प्लस ई माइनस ए। ठीक है, तो डेल की जगह न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल की जगह डेल मिनिमम लिखेंगे, और इस स्थिति में आई और ई बराबर हैं, तो आई और ई दोनों में आई की जगह ई लिख दो या ई की जगह आई लिख दो। तो देखो आप अगले पेज पे, अगले पेज पे मैंने क्या किया, इस जगह देखो आप, देखो
न्यूनतम विचलन की स्थिति में यहाँ पे डेल की जगह डेल मिनिमम लिखा, आई की जगह आई, और ई की जगह भी मैंने आई लिख दिया, और माइनस ए एस, क्योंकि आई और ई बराबर है। और देखो माइनस कौन है, इधर आ जाएगा ये प्लस में, तो बराबर आई और आई टू आई हो जाएगा। आई का मान निकालें तो दो भाग में आ जाएगा, तो कोण आई बराबर डेल मिनिमम प्लस एंगल ए, कोण ए बटे दो। आई बराबर डेल मिनिमम प्लस कोण ए बटे दो, तो ये आई का मान है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तो आर का मान अपवर्तन कोण, और ये आई का मान आपतन कोण, ये दोनों आ गए। अब दोनों आगे काम आएंगे, तो अगले पेज पे चलते हैं। अब हम निकालते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। जो प्रिज्म जो बनी हुई है, जिस कांच की बनी हुई है या जिस पदार्थ की बनी हुई है या कांच में कुछ अशुद्धि है, वो अलग अलग अपवर्तनांक हो सकते हैं, डिपेंड करता है कैसे मटेरियल की बनाई है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि याद करना है, तो स्नेल के नियम से म्यू का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइन आई बटे साइन आर। ये क्या लिखा हुआ है बताओ, साइन आई बटे साइन आर। और हमने अभी अभी आई का मान भी निकाल लिया और आर का मान भी निकाल लिया है, तो आई का मान भी निकाल लिया और आर का मान भी निकाल लिया। तो आई का मान और आर का मान दोनों यहाँ रख देंगे अपन, तो क्या निकल के आएगा बताओ, आई और आर का मान यदि रख दिया जाए तो क्या निकल के आएगा। देखो आप, आई की जगह हमने आई का मान लिखा, तो पिछले पेज पे मैंने अभी अभी आपको बताया था, पिछले पेज पे मैंने आपको बताया था आई का मान। देखो आप, मैं फिर से रिमाइंड कर देता हूँ आपको, पिछले पेज पे मैंने बताया था। देखो एक मिनट, ये देखो आर का मान तो ये रहा ए बाई टू, और आई का मान ये रहा डेल मिनिमम प्लस एंगल ए बाई टू। तो ये दोनों मान यदि अपन रख दें अगले पेज में, तो देखो आप यहाँ आई की जगह पे तो ये लिख दिया अपन ने डेल मिनिमम प्लस एंगल ए बाई टू, और यहाँ ये जो आर है इस आर की जगह पे लिख दिया कोण ए बाई टू। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला बन के आ गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म जिस पदार्थ की बनी हुई है, उस पदार्थ के अपवर्तनांक का ये फॉर्मूला बन के आ गया आपके पास। म्यू बराबर साइन डेल मिनिमम प्लस एंगल ए बटे दो, हॉल बटे साइन एंगल ए बटे दो। ठीक है, इसी में एक छोटा सा केस यदि अपन लगाएं कि यदि प्रिज्म बहुत पतला हो, तो पतले प्रिज्म का मीनिंग क्या है, पतले प्रिज्म का मीनिंग क्या है, फिजिक्स में संज्ञा दी गई है पतले प्रिज्म को कि ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 10 डिग्री से छोटा हो, ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 10 डिग्री से छोटा हो, उस प्रिज्म को पतले प्रिज्म की संज्ञा दी गई है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है ना, कोई भी प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 10 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, तो कोण ए बहुत छोटा है, तो इसलिए आपतन कोण भी बहुत छोटा होगा। तो अपन ये जानते हैं कि जब कोई कोण थीटा छोटा हो, तो साइन थीटा लगभग बराबर होता है किसके बताओ, थीटा के। साइन थीटा लगभग बराबर होता है किसके, थीटा के, बोलो होता है नहीं, साइन थीटा लगभग बराबर होता है किसके बताओ, थीटा के। तो जब मैंने बताया कि कोण ए बहुत छोटा है, मतलब प्रिज्म बहुत पतला है, तो इसका मतलब प्रिज्म कोण भी बहुत छोटा होगा, आपतन कोण भी बहुत छोटा होगा, अपवर्तन कोण भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो इसमें आप देख पाओगे ऊपर वाले डेरिवेशन में, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है देखो आप, ये लिखा है साइन और ये पूरा लिखा है थीटा, तो साइन थीटा की जगह केवल और केवल ये थीटा ही रह जाएगा ये, और नीचे भी ये लिखा हुआ है साइन और ये थीटा, तो नीचे थीटा ही थीटा रह जाएगा ये। ठीक है, साइन को अपन हटा देंगे। ठीक है, तो आप अगले केस में देखिए, प्रिज्म बहुत पतला हो, तो यहाँ पे देखो ये केवल थीटा रह गया और ये बटे में ये भी क्या रह गया, थीटा। अब ये देखो आप ध्यान से, ये दो से दो कट जाएगा, ये दो कैंसिल, ये दो कैंसिल, तो आपके पास इधर बटे में म्यू कोण ए बचेगा ये वाला, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, तो ये वाला जो कोण ए है ये इधर गुणा में आ जाएगा, म्यू के गुणा में आ जाएगा, म्यू गुणा डेल ए बराबर डेल मिनिमम प्लस एंगल ए, और फिर एंगल ए को आप माइनस में भेज दें इधर, तो डेल मिनिमम बराबर म्यू माइनस वन एंगल ए, डेल मिनिमम बराबर म्यू माइनस वन गुणा एंगल ए। मतलब जब प्रिज्म बहुत पतला हो, तो न्यूनतम विचलन कोण म्यू माइनस वन गुणा कोण ए के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 4 नंबर का डेरिवेशन है, बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार आता रहता है, रिपीट होता रहता है, लास्ट के 29वां 30वें क्वेश्चन में से मिलता है। तो इसको अच्छे से आप तैयार करें, कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज करें। थैंक यू।